रेवाड़ी में हड़ताल पर बैठे हैं एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारी। नागरिक अस्पताल पर कर्मचारियों ने धरना दिया है। हड़ताली कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं पे ग्रेड, ड्रेस अलाउंस और टीए बढ़ाने की मांग को लेकर। मांगे माने जाने पर भी नोटिफिकेशन जारी न होने का आरोप लगा है। नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल की चेतावनी दी है। नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल की चेतावनी। हमारी बहुत पुरानी लंबित मांगे हैं 4200 ग्रेड पे और के नाम से टेक्निकल घोषित करना, आरक्षित कर्मचारियों 2 साल सेवा के बाद उनको पक्का करना, पक्का नहीं होते इतना समान काम समान वेतन देना, हमारी ये मांगे चल रही है। सरकार नहीं मानती है, आगे क्या रणनीति तय की? सरकार यदि नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हमारा धरना है। हम काम छोड़ कलम छोड़ बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे, ना ही कोई कर्मचारी हाजिर लगाएगा और हम हड़ताल पर रहेंगे कर्म पूरे साथी। इसमें सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा में हम फील्ड के कर्मचारी हैं, घर घर जाकर हम प्रचार करेंगे। भाजपा सरकार के खिलाफ यदि हमारी मांगे नहीं मानती है तो कि ये सरकार निकम्मी सरकार है, कोई काम नहीं करती, वादा करके फिर। श्याम बाटला जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी। श्याम, क्या रुख है इनकी मांगों को लेकर प्रशासन का? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2015 से इनकी काफी जो मांगे हैं वो लंबी पड़ी हुई। इनकी मुख्य मांग जो है वो पे स्केल की है, जिसे 4200 रुपए करवाना चाहते हैं। अभी जो इनको जो यूनिफॉर्म मिलती है, ड्रेस मिलती है, उसका भी अनाउंस इन्हें नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के समान इनका इनका वेतन के लिए भी यस की गई थी, वो भी इनकी मांग अभी तक नहीं मानेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि सीएम ने इनकी सभी मांगों को मान लिया था, स्वास्थ्य मंत्री ने इनकी सभी मांगों को मान लिया था, लेकिन वित्त मंत्री ने अभी तक इनकी फाइल जो है वो रोकी हुई है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती, नहीं मानती, चाहे हमें 6 महीने धरने पर क्यों ना बैठना पड़े और आने वाले 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। कारण कि वो बाधा जो करती है वो समय आने पर भूल जाती है। इसी तरीके से ये घर घर जाकर प्रचार करेंगे सरकार की बदनीतियों का। जी।